जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। सिद्धानम् नमो आयिरियानम् नमो वज्जायानम् नमो लोये सव्यसाहुनम्। पंचपरमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, चौबीस तीर्थंकर भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, उत्तम शौच धर्म की, दस लक्षण महापर्व की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, परम पूज परम तपस्वी चिन्मयसागर जी महाराज जी की, जबर जंगल वाले बाबा की। वास्तव में आगम में आचार्यों ने कहा है कि व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, व्यवहार और निश्चय नहीं की दृष्टि से जीवों की स्थितियाँ भिन्न भिन्न होती है। व्यवहार नहीं में जो जीवन जीता है उनका जीवन अपवित्र होता है, मलिन होता है, लेकिन जो निश्चय नहीं से जीवन जीता है उनका मन पवित्र होता है, उनका जीवन पवित्र होता है। व्यवहार नहीं से ही निश्चय नहीं में पहुँचा जा सकता है, बिना व्यवहार नहीं के निश्चय में पहुंचना भी संभव नहीं है। लेकिन व्यवहार में जब तक रहेंगे तब तक संसार परिभ्रमण रहेगा। ये आत्मा अपवित्र होकर के संसार परिभ्रमण करता है। ये व्यवहार और निश्चय की आत्मकल्याण के लिए व्यवहार ने और निश्चय ने दोनों की आवश्यकता है। दो के माध्यम से ही हम पुल के माध्यम से ही संसार से पार हो सकते हैं। बिना पुल के संसार का पार होना संभव नहीं है। ए, ए। बिना पुल के संसार से पार होना संभव नहीं है। बस यही हमको समझना है कि वास्तव में निश्चय से जीव नित्य है, शुद्ध है, पवित्र है। निश्चय नय की दृष्टि से आत्मा परमात्मा है, लेकिन व्यवहार नय के कारण ये पाप में प्रवृत्त होने के कारण इस संसारी प्राणी का मन अपवित्र हो गया है, इसका वचन अपवित्र हो गया है, काय अपवित्र हो गया है और चेतन अपवित्र हो गया है। पाप के कारण सबका जीवन अपवित्र हो गया है। जब ये जीव पाप से ऊपर उठ जाएगा तब उनका मन पवित्र होता चला जाता है, उसका चेतन पवित्र होता चला जाता है, उनका वचन पवित्र होता चला जाता है। अनंत काल से हम पाप में जीवन जीते हुए आ रहे हैं। संसारी प्राणी पाप में जीवन जी रहा है, अनादि काल से पाप में जीवन जीता आया है, इसलिए संसार परिभ्रमण कर रहा है, अनेक प्रकार की पीड़ा, अनेक प्रकार की यातनाओं को भोग रहा है। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि तुम पवित्र बनना चाहते हो, तुम निश्चय ने से शुद्ध हो, पवित्र हो, परमात्मा हो, लेकिन व्यवहार ने से तुम पापी हो, पीड़ित हो, दुखी हो, इस पीड़ा से मुक्त होना चाहते हो तो अपने मन वचन काय को पवित्र करने का प्रयास करना, जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करना, अपने आचार विचारों में पवित्रता लाने का प्रयास करना, तुम्हारा परमार्थ शुरू हो जाएगा। और यही परमार्थ है, परमार्थ और कुछ भी नहीं है। पाप से हम पुण्य तक, पुण्य को धारण करके हम क्या कर सकते हैं, पाप से मुक्ति पा सकते हैं, और पुण्य के माध्यम से हम परमात्मा बन सकते हैं। शुभमय प्रवृत्ति जब होगी संसार परिवर्तन छूटता चला जाएगा
और वह धीरे धीरे करके वह क्या हो जाएगा, परमात्मा बन जाएगा। यह परमार्थ की जो शुरुआत है यह उत्तम सोच धर्म है। मन वचन पाप में जीवन जी करके भी, पीड़ित होकर के भी, संसार परिभ्रमण करते हुए भी, हम जब पाप से बचने का प्रारंभ करते हैं उसके लिए हम उत्तम सोच धर्म को धारण कर लेते हैं। पाप से बच करके हम पुण्य में प्रवृत्त हो चले जाते हैं, मन वचन काय को प्रवृत्ति पुण्य में लगा देते हैं, पाप से बच जाते हैं और शुभ से अशुभ से बच जाते हैं, शुभ के माध्यम से, और एक दिन शुद्धता को प्राप्त कर लेते हैं, संसार से मुक्त हो जाते हैं। ये परमोच्च सोच धर्म है, ये साध्य सोच धर्म है। और पुण्य में लगा रहना ये क्या है, कारण सोच धर्म है। कारण सोच धर्म और कार्य सोच धर्म है। मन वचन काय की प्रवृत्ति पुण्य में लगाना कारण सोच धर्म है, और मन वचन काय के पुण्य के माध्यम से पाप से मुक्त हो जाना, पाप और पुण्य से मुक्त होना वह कार्य सोच धर्म है। इसी प्रकार शुभ भाव में लग जाना कारण सोच धर्म है, और शुद्ध में पहुंच जाना कार्य साध्य सोच धर्म है। इसको समझेंगे हम इस संसार में रह करके भी, संसार परिभ्रमण करते हुए भी और पाप में जीवन जीते हुए भी हम पुण्य में परिवर्तित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जिस प्रकार के हम कारण को अपनाते हैं उसी प्रकार की कार्य की निष्पत्ति होती है। जिस प्रकार के कारणों को हम धारण करते हैं, जिस प्रकार के मार्ग से हम चलते हैं उसी प्रकार की मंजिल की प्राप्ति हमें होती है। यदि हम संसार के मार्ग से चलेंगे संसार ही राग द्वेष ही मिलेगा, और हम मोक्ष मार्ग से चलेंगे तो मंजिल मोक्ष ही मिलेगा। संसार के मार्ग से चल करके हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और मोक्ष के मार्ग से चल करके हम संसार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कारण और कार्य की व्यवस्था में जिस प्रकार के कारण होता है उसी प्रकार की कार्य होती है। जैसे आप अपने खेत में यदि बबूल का बीज बोते हैं तो आपको आम का पेड़ उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि आपका कारण क्या है, बबूल का बीज है। इसीलिए फल जो भी मिलेगा आम का फल नहीं मिलेगा, आपके बबूल का फल ही मिलेंगे, कांटे ही मिलेंगे। यह कार्य और कारण की व्यवस्था है। कार्य और कारण के अंतर्गत आचार्यों ने कहा कि कार्य और कारण के अनुसार हमको किस प्रकार के कार्य की निष्पत्ति करना है उसी प्रकार के कारण को हमें धारण करना चाहिए। जिस प्रकार के साध्य को हमें प्राप्त पाना है उसी प्रकार के साधन को अपने हमें अपनाना चाहिए। इतना ही नहीं, जिस प्रकार के मंजिल को हमें पाना है उसी प्रकार के मार्ग को आप लोगों को पाना चाहिए। हम मार्ग कुछ अलग कर ले, हमें जाना है कुंभोज और हम अलते का रास्ता देख ले तो हम अपने कुंभोज तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही व्यवस्था है। यदि हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली के ट्रेन में अथवा प्लेन में बैठना पड़ेगा, और चेन्नई जाना है, बेंगलुरु जाना है तो बेंगलुरु के गाड़ी में बैठ करके हम दिल्ली नहीं जा सकते, और दिल्ली की गाड़ी में बैठ करके हम बेंगलुरु नहीं जा सकते हैं। इसी को कार्य कारण की व्यवस्था बोलते हैं। आचार्यों ने कहा कि जो आचार्य संयम को धारण करके मुनि बन करके और अपने शपक श्रेणी आरूढ़ होकर के केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तेरहवें गुणस्थान में पहुंच जाते हैं, लेकिन वह अरहंत पर व्यक्ति वह केवली भगवान भी कारण समय सार माना जाते हैं और कार्य समय सार नहीं। कार्य समय सार और कारण समय सार, कारण समय सार के माध्यम से ही कार्य समय सार को प्राप्त किया जा सकता है। कारण समय सार के माध्यम से ही कार्य समय सार को प्राप्त किया जा सकता है। कार्य समय सार क्या है, सिद्धत्व कार्य समय सार है, और केवल ज्ञान कारण समय सार है। केवल ज्ञान कारण समय सार है, सिद्धत्व कार्य समय सार है। इसी प्रकार कारण मोक्ष क्या है, कारण कार्य समय सार है, लेकिन कारण समय सार मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग को नहीं धारण करेंगे हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से हमारे आचार्यों ने कहा, इस दस लक्षण धर्म में आज उत्तम सोच धर्म का चिंतन और चर्चा चल रही है। इसके अंतर्गत हमारे आचार्यों ने कहा
इस उत्तम सोच धर्म को महामुनिराज ही धारण कर सकते हैं। हमारे मुनिराज, हमारे श्रमण ही धारण कर सकते हैं। कौन कौन श्रमण होता है? जो पाप और परिग्रह से मुक्त है, ऐसे पाप और परिग्रह से मुक्त मुनिराज ही महान श्रमण माने जाते हैं। वे ही क्या कर सकता है? उत्तम शौच धर्म को धारण कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं? और मुनि भी उत्तम शौच धर्म को धारण कर सकते हैं, लेकिन श्रावक भी, सदगृहस्थ भी अपने शक्ति के अनुसार उत्तम शौच धर्म को धारण करता है। वह क्या करता है? मुनिराज क्या करते हैं? सारे पांचों पापों को, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सारे को छोड़ देते हैं। इसलिए उत्तम सोच धर्म को धारण कर लेते हैं। हाँ, ये पाप हमारे लिए जीवन को अपवित्र बना दिया है। इस पाप ने हमें क्या कर दिया है? जीवन को अपवित्र बना दिया है, मन को अपवित्र बना दिया है, जीवन को अपवित्र बना दिया है। लेकिन इनको पवित्र बनाना है, मन को, जीवन को पवित्र बनाना है, हमें पाप छोड़ना पड़ेगा। ऐसे उत्तम शौच धर्म को कौन धारण कर सकते हैं? महामुनिराज धारण कर सकते हैं, जो पाप और परिग्रह से ऊपर उठे हैं। बंधुओं, यहाँ पर मैंने गृहस्थ की बात कही। गृहस्थ उत्तम शौच धर्म को कैसे धारण कर सकता है? अपने शक्ति के अनुसार, अर्थात वे अहिंसा अनुव्रत, अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अचौर्य अनुव्रत और ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत, इस प्रकार से इनको कम करके अपने शक्ति के अनुसार अपने जीवन को स्वच्छ बनाने का प्रयास करता, शुचिमय बनाने का प्रयास करता है। ये श्रावकों को हो गया। इस प्रकार वह अपने जीवन को शुचिमय बनाते हैं, मन को शुभोपयोग में लगाते हैं, अशुभ से बच जाते हैं। ये श्रावकों का क्या हो गया? सोच धर्म है, लेकिन उत्तम सोच धर्म नहीं है। अपने मन वचन काय को पूजा में बैठ करके आप शुद्ध में लगा दिया, ये उत्तम सोच धर्म है। नहीं है तो तुम्हारा मन कहाँ जाता? अशुभ में जाता, अशुद्ध में जाता। बंधुओं, यही समझ लेना। इसीलिए आचार्यों ने कहा, श्रमण सातवें और छठे और सातवें गुणस्थान में झूमने वाला, झूलने वाला वह श्रमण उत्तम सोच धर्म को धारण कर सकता है, क्योंकि यह सारा संसार अशुद्ध है, शरीर अशुद्ध है, शरीर अशुद्ध है, सारा संसार अशुद्ध है, सबका मन अशुद्ध हो गया है, सबका वचन अशुद्ध हो गया है, सबका जीवन अशुद्ध हो गया है, सबके भाव अशुद्ध हो गए हैं, सबके भविष्य, इस अशुद्ध संसार, अशुद्ध शरीर, अशुद्ध मन में रहकर के भी हम शुद्धता को हम प्राप्त कर सकते हैं, इनका सदुपयोग करके। आप ये पूछ सकते हैं कि मन, वचन, काय, शरीर और संसार सब कुछ अशुद्ध है तो क्यों है? ये सब अशुद्ध इसलिए हुआ है, मन अशुद्ध क्यों हुआ है, वचन अशुद्ध क्यों हुआ है, जीवन अशुद्ध क्यों हुआ है? तो आचार्य कहते हैं, क्या राग के कारण अशुद्ध हुआ है, द्वेष के कारण अशुद्ध हुआ है, स्वार्थ के कारण अशुद्ध हुआ है? राग, द्वेष और स्वार्थ से ऊपर उठे तो शुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार ये शुद्धात्म तत्व को पाने के लिए शुद्ध शुद्ध आचरण का आवश्यकता होती है। और इसीलिए हम सबको सोचना चाहिए, जिस प्रकार के हम आचरण को धारण करते हैं उसी प्रकार से हमारा भाव होते चले जाते हैं। इसीलिए इन अशुद्ध भावों से बचने के लिए जो आचार विचार, रहन सहन, खान पान को धारण किया जाता है, उसी को शौच धर्म कहा जाता है। सोच धर्म और कुछ नहीं है। अशुद्धता से बचाने वाले जो कुछ भी आचार है, विचार है, व्यवहार है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले।